हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट को लेके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए, ये अपडेट है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है, नाविक, जीडी और यांत्रिक की, उससे रिलेटेड रहेगी। टोटल पोस्ट इस पोस्ट के लिए है 320, नाविक जीडी के लिए 260 यानी 260 और यांत्रिक के लिए 60 पोस्ट रहेगा। अब कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल का 102 सीट रहेगा, ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 82, एससी कैंडिडेट के लिए 10 और एसटी के लिए 41 यानी 41 सीट रहेगा। तो अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारा कुछ नोटिफिकेशन में ही दिया गया, तो नोटिफिकेशन अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता था कि इसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट 3rd of July है, तो अप्लाई डेट को ना एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये फॉर्म 10 जुलाई तक ऑनलाइन रहेगा, जल्द से जल्द जाइए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई के लिए फी क्या लिया जाता है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 300 यानी 300 रुपया और एससी एसटी से 0 रुपीज यानी कोई फॉर्म फी नहीं लिया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22 यानी 18-22 ईयर्स के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बॉन्ड बिटवीन 1st of March 2003 28th of February 2007। देखिए, 1 मार्च 2003 से लेके 28 फरवरी 2007 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो सभी इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही आसान है, जिन्होंने 10+2 पास कर रखा है फिजिक्स और मैथ्स से, वो सभी बच्चे इलिजिबल रहेंगे। और हाँ, देखिए, मैं इस वीडियो में जो बात कर रही हूँ ये सब आपको बता रही हूँ नाविक जीडी के पोस्ट के रिगार्डिंग, बाकी की सारी चीज दोनों के लिए सेम है। लेकिन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो यांत्रिक के लिए थोड़ा सा टेक्निकल डिग्री चाहिए 10th पास होने के साथ साथ, तो वो सारा जानकारी आप ले लीजिएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि उतना सारा पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे एक्सप्लेन कर पाना। अलग अलग तरह के यांत्रिक के 3 तरह के पोस्ट है, तीनों का क्वालिफिकेशन अलग है, जाके देखिएगा। और हाँ, एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस भी यांत्रिक का अलग है। अभी से हम लोग जो सारी बातें करेंगे क्वालिफिकेशन से, वो सब होगा नाविक जीडी के रिगार्डिंग। देखिए, सिलेक्शन की प्रोसेस जीडी के लिए आपका 4 स्टेज रहने वाला है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द सेक्शन 1 एग्जाम, उसके में क्वालिफाई करने के बाद आपका सेक्शन 2 एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल एंड डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्टली सिंपल सा एक मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में आएगा आपका नाम और ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सेक्शन 1 का जो एग्जाम होता है ना, वो 10th लेवल का होता है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम होता है 45 मिनट्स यानी 45 मिनट का एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अपने आप में ही, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप टिक करके आ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट से सेक्शन 1 में पूछा जाएगा। मैथ के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन एंड लास्टली जीके के 5 क्वेश्चन। अब जैसा कि आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग है, तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रहेगा ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30 रहेगा, एससी एसटी के लिए 27 रहेगा। तो ये क्वालिफाई होने के बाद सेक्शन 2 का पेपर होता है, ये आपका 12th लेवल का होता है, मतलब जो आपने 12वीं क्लास में मैथ और फिजिक्स पढ़ा है समझिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, लेवल क्वेश्चन का 12th लेवल रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे का पेपर होगा एंड सेक्शन 2 में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैथ के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, इन दोनों ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 20, मतलब कि आपको 50 में से कम 20 स्कोर करना है, एससी एसटी के लिए 17,
तो अभी आपका मेरिट कैसे बनता है ये लास्ट में बताऊंगी, लेकिन आपको पता है कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, तो थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग भी आपका टेस्ट होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको बता देती हूँ। देखिए फिजिकल में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होती है, 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है, और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। स्क्वाट अप्स आपको 20 रहेंगे एंड पुश अप्स 10 रहेंगे। ये आपका फिजिकल हो गया, देन आपका जो मेरिट बनता है ना, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट बनेगा आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के स्कोर को ऐड करने के बाद आपका मेरिट बनाया जाता है। तो उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा और आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सैलरी क्या मिलती है, देखिए शुरुआती दौर में सैलरी 21,700 यानी कि 21,700 रुपीज़ होगा, आफ्टर पर्स अलाउंसेज आपकी सैलरी 47,600 यानी 50,000 के करीब सैलरी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसका फ़ायदा उठाए, लास्ट डेट आपको अब बहुत जल्द आने वाला है तो अप्लाई कर ही दे तो अच्छा रहेगा। इसका सारा जो डिटेल है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।